एक बार फिर न्यूज फॉर लाइफ की खबर का हुआ असर। जी हां, सिवान के पचरुखी प्रखंड कार्यालय के ऊपर कई दिनों से पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको हटाना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही इस खबर को प्रमुखता से न्यूज फॉर लाइफ ने दिखाया, उसके बाद स्थानीय अधिकारियों की नींद खुल गई, जिसके बाद गिरा हुआ पेड़ को प्रशासन हटाने में जुट गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यह पेड़ पचरुखी प्रखंड कार्यालय के ऊपर गिरा हुआ है और इसे हटाने के लिए मजदूर लग चुके हैं। दरअसल लगातार सिवान में बारिश और तूफान आने से कई जगहों पर पेड़ पौधे गिर गए हैं। उसी दौरान रात्रि के समय यह पेड़ गिर गया था। हालांकि पेड़ गिरने से किसी भी तरह की कोई हादसा नहीं हुआ था। वहीं समाजसेवी महताब अली ने न्यूज फॉर लाइफ की टीम के साथ स्थानीय अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। पचरुखी से धनंजय पांडे की रिपोर्ट। देखिए, इसके बारे में तो मैं सबसे पहले न्यूज फॉर लाइफ को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक हफ्ता पहले ये पेड़ गिरी थी आंधी तूफान में, और लगभग एक हफ्ता जो है कि यहाँ जो भी ब्लॉक में गांव ग्रामीण जनता लोग आए थे, इस पेड़ गिरने के चलते काफ़ी उनको नुकसान हुआ था और सही तरीके से कामकाज भी नहीं हो पा रहा था और लोगों को दिक्कतें हो रही थी। परंतु जब ये खबर न्यूज़ फॉर लाइफ पे ये चला, तब जाके इसका असर पड़ा और अधिकारी तब जाके एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद में अब हटाने का कार्य यहाँ शुरू हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ फॉर लाइफ को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस तरह का कवरेज किया और इस खबर को चलाया। और चलाने के बाद में ये हुआ कि इस जो दिक्कतें आ रही थी इस पेड़ से गिरने के बाद, वो जो है अब जो है कोई किसी प्रकार का असुविधा हमारे गांव ग्रामीण के लोगों का नहीं होगा जो ब्लॉक में इन फ्यूचर आएंगे।